यहाँ का जो है कुछ कुछ काम तो हो गया और कुछ कुछ काम नहीं हो पाया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का समय है और सुबह में तो गर्मा गर्म नाश्ता बनता ही है। तो अभी जो है नाश्ते में हम लोग का अंडा चाउमीन बनने वाला है, देख सकते हैं। जो है बनाना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ सवेरे सवेरे ही, और अभी अंडा को फ्राई हो गया है, और अभी जो है गोभी को ही फ्राई कर लेते हैं, और हम लोग का मतलब तुरंत ही बन जाएगा ये। उसके बाद जो है नहाने के बाद में हम लोग नाश्ता करेंगे, और आज तो संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल ही बनता है हम लोग का। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी जो कि चाउमीन लगभग रेडी हो गया है, और इसको अभी एक ही बार नहाने धोने के बाद ही खाएंगे। तो अभी छत के ऊपर आ गए हैं और गर्मा गर्म खाते हैं अभी। और अभी जो कि शाम हो गया है, देख सकते हैं, और हम लोग को अचानक से निकलना पड़ रहा है दीदी के पास में। मतलब दीदी बुलाई है थोड़ा सा, हाँ, एक तरफ से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, और उन लोग का फ्लैट लिया हुआ है तो वहीं पे जा रहे हैं। थोड़ा सा साफ़ सफाई का ये है, कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई रहते नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। तो दीदी का कॉल आया था, वो बोली कि किन्हीं को अगर कोई मिलेंगे साफ करने वाला तो उनको लेके आ जाइए। तो वही हम लोग जा रहे हैं अभी, तुरंत तो कोई मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग के पड़ोस में ही कुछ बच्चे रहते हैं जो कि फ्लैट है तो बस झाड़ू पोंछा ही होगा, तो उनको लेके हम लोग आ गए हैं। वो ऐसे भी हम लोग का मतलब जो घर का पहले झाड़ू पोंछा कर ही देते थे, तो उनको थोड़ा बहुत झाड़ू पोंछा आता ही है। दीदी लोग से मिल लिए, मिल के बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा और उन्हें भी अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगा। और अभी जो है मैं दीदी को ब्लॉक में नहीं ला पाई क्योंकि इस बारे में मैं उनसे पूछी ही नहीं, तो अगले ब्लॉक में मैं हो सकता है उनको भी लाऊं। तो अभी जो है हम लोग घर वापस जा रहे हैं, यहाँ का जो है कुछ कुछ काम तो हो गया और कुछ कुछ काम नहीं हो पाया। हम लोग सोचे उन लोग का फ्लाइट होगा तो और तो कुछ काम ही नहीं होगा झाड़ू पोंछा के अलावा, तो वही सोच के हम लोग जो है गए थे। बट हम लोग का सोच से अलग ही हो गया। वहाँ जो है कबूतर सब के कारण थोड़ा सा बाथरूम साइड कुछ अधिक ही गंदा हो गया था, तो उधर जो है अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया। बाकी झाड़ू पोछा तो बच्चे लोग कर ही दिए, लेकिन उधर का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे आधा अधूरा ही रह गया। और उधर जो है कॉलोनी है तो कोई ना कोई तो काम वाले मिल ही जाएंगे, तो वो सब भी साफ़ हो ही जाएगा। घर जाने से पहले हम लोग कुछ कुछ ले लेंगे, जैसे कि चिकन हुआ, आज संडे है ना, तो हम लोग का जो है चिकन बनता ही बनता है। तो ऐसे तो सवेरे ही बनाने का प्लान था, बट हम लोग को उधर जाना पड़ गया, तो आज सवेरे नहीं, आज रात में ही बनेगा, तो इधर से ही लेते जाएंगे। और कुछ कुछ सब्जी भी है, वो सब भी लेते जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। तो चिकन के पास आ गए हैं, मतलब चिकन लेने, और अभी जो है चिकन कट रहा है तो इसको ले लेते हैं। और ये जो है मसाला भी ले लिया है हम लोगों ने, और सब्जी में बस टमाटर ले लेते हैं क्योंकि कल मुझे जाना पड़ेगा, तो कितना ही खाएंगे और क्या क्या ही खाएंगे, तो बस टमाटर ले लेना है। एकदम रेड ही रेड दिख रहा है देखने में। टमाटर का रेट जो है सस्ता हो गया है, अभी जो है 10 रुपया के जी चल रहा है, तो अभी जो है हम लोग हाफ ही ले लेते हैं। फुल तो लेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा, उतना पकाते हैं कि नहीं पकाएंगे पता नहीं, तो वही हाफ ही ले लेंगे। ऊपर से एकदम रेड रेड दिख रहा है, तुरंत ही ख़राब हो जाएगा लग रहा है अगर अधिक देर रखेंगे, मतलब अधिक दिन रखेंगे तो वही कम ही लेके आ रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, कुछ देर पहले ही हम लोग बाहर से आ गए हैं, और मैं अभी ड्रेस व्रेस चेंज कर ली हूँ, और हम लोग का जो मतलब सूरज डूबने के बाद जो पूजा होता है संध्या में, वो वाला भी हम लोग का हो चुका है। तो अभी जो है मैं किचन जा रही हूँ क्योंकि रात भी हो गया है, तो खाना वाना बनाना पड़ेगा रात का खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं जो है, आज संडे है इसीलिए हम लोग जो है चिकन लाए हैं और कुछ कुछ सब्जियां लाए हैं। तो अभी जो है चिकन कस्सा बनने वाला है रात के खाने के लिए, तो चलिए फटाफट से दाल चावल और चिकन कस्सा बनाते हैं। चावल दाल बन रहा है अभी कुकर में, दोनों कुकर में चढ़ा दिए, एक में चावल और एक में दाल जो है पक ही रहा है, और चिकन को जो है हल्दी के साथ मिक्स कर दिए हैं, कुछ देर के लिए छोड़ दिए हैं। इधर तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में, और अभी चिकन कस्सा जो कि बन रहा है तो पहले चिकन को ही फ्राई कर लेते हैं, नमक और
हल्दी के साथ में। उसके बाद जो है प्याज को काटना पड़ेगा, और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रहे हैं अभी। इसके बाद इसको धो के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे, और फिर टमाटर को भी देना पड़ेगा, टमाटर से स्वाद अच्छा होता है। और मिर्ची भी डाल दिया, अब इसको मिक्सी में एकदम पीस देंगे, इसको बोलते हैं पेस्ट, पेस्ट बना देंगे इसको। और ये जो है मस्त वाला पेस्ट बन गया है। अभी इसको जो है एक बर्तन में रख लेते हैं चिकन को। इसके बाद जो है इस पेस्ट को फ्राई कर देते हैं थोड़ा सा, और इसी में हम लोग मसाला नमक जो जो है डालने का डालेंगे। अभी जो है बस नमक से ही फ्राई कर ले रहे हैं। इसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं थोड़ा, इसका स्वाद अच्छा आएगा। फिर सारा मसाला एक एक करके डाल दे रहे हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जो जो डालना था। अब थोड़ा सा पानी देके इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है चिकन डाल देंगे इसमें, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये अपने आप पक जाएगा। लगभग पकने को ही आया है, और ये गर्मा गर्म अभी चिकन कस्सा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इसको एक कटोरी में ले लेते हैं, और इसको हम लोग अभी सर्व करके खाने वाले हैं। पहले वाला खाना गीला हो गया है, तो इसको अभी फेंकेंगे नहीं, इससे कल बनाने वाले हैं कुछ। और कल के वीडियो में देखिए कि मैं इससे क्या बनाती हूँ। तो हम लोग का दूसरा खाना भी रेडी हो चुका है, और खाना परोस भी लिए हैं, अभी गर्मा गर्म खा लेते हैं। खाना उना तो हो गया है अभी हम लोग का, और जो सब्जी बना था चिकन कस्सा वो भी बहुत ही टेस्टी था। और अभी जो है काफ़ी रात हो गया है, तो हम लोग कुछ देर बाद सो जाएंगे। खाना अभी तुरंत खाए हैं तो तुरंत नहीं सोएंगे, और कुछ देर बाद सो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट में कोई कंजूसी मत कीजिए। और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।